छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। तमाम मीडिया चैनल आपको दिखाते रहते हैं देश की मुद्दों के बारे में। ऐसा आप सपने में देखते होंगे कि आज तक हो, जी न्यूज हो, तमाम जो चैनल हैं वो आपको दिखाएंगे कि क्या हमारे देश में महंगाई है, वो दिखाएंगे कि किसानों की क्या हालत है, वो दिखाएंगे कि अस्पताल व्यवस्था कैसी है, वो दिखाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है। लेकिन आज जो मीडिया का काम है ना, वो विपक्ष पूरा कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियाँ हो या फिर राजनीतिक पार्टियाँ, हर वक्त जो है विपक्ष अपने ट्विटर हैंडल पर, विपक्ष पार्टियों के जो मीडिया सेल होती है वो तमाम ट्वीट करते रहते हैं। यही बात मैं लेकर आया हूँ सामने, इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। इमरान प्रतापगढ़ी मुशायरे के लिए जाने जाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी कटाक्ष करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता के लिए हो या फिर BJP के तमाम बड़े नेताओं के लिए। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी का लगातार मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ, क्यों? क्योंकि आप तक वो बात पहुँच सके जिस आवाज़ को जो है, जिस बात को जो है BJP पार्टी दबा देती है। संसद में जब इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं, तमाम नेता बोलते हैं, माइक ऑफ कर दिया जाता है। सड़क पर जब महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सामने आते हैं तो जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो आप देख सकते हैं कि आज विपक्ष की हालत कैसी हो गई है। आज विपक्ष जो है आवाज़ उठाता है तो आवाज़ को काट दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मुर्गे बकरे काट दिए जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आज देश की हालत राजनीति में खून खच्चर से भी बड़ी है। यहाँ पर तीखे बार किए जाते हैं, भले ही वो बंदूक की गोली नहीं होती है, तीर का कमान नहीं होता है, कमान का तीर नहीं होता है, लेकिन वो जो आवाज़ निकलती है ना, वो तीर और गोली से बुरी होती है। उसमें ऐसा लगता है कि किसी ने गोली मार दी और खून से छल्ली छल्ली हो गया हो। आज मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि आपने देश में महंगाई क्यों की है। उन्होंने पूछा कि आपने 8 सालों में 137 साल पुरानी कांग्रेस का जो है किए हुए कामों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कुछ बनाया, महंगाई कम की, सिलेंडर 400 रुपए का दिया, उस सिलेंडर को आपने 1225 का कर दिया। मतलब तमाम जो है प्रश्न यहाँ पर सरकार से पूछते हुए इमरान प्रतापगढ़ी लगातार नजर आए हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा शिक्षा व्यवस्था, आज शिक्षा है, आज मैंने पत्रकारिता पढ़ी इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज शिक्षा है तभी आप मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि आप समझदार हैं। लेकिन BJP पार्टी को शिक्षा देने का जो है अधिकार तो है, लेकिन मनसा नहीं है। BJP पार्टी नहीं चाहती है कि देश के युवाओं को शिक्षा दी जाए, देश के नौजवानों को शिक्षा दी जाए, देश के बच्चों को शिक्षा दी जाए। आप देखिए, यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हुए नजर आए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो सामने आया, संसद में एक शायरी बोलते हैं और लगातार कहते हैं कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालत आपने क्या कर दी, आपने फीस बढ़ा दिया, आपने हॉस्टल का पैसा बढ़ा दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि आज पुलिस प्रशासन जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय कि छात्रों के साथ क्या करता है, पिकेट कहाँ लगाता है। तमाम मुद्दे जो है यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर इमरान प्रतापगढ़ ने उठा दी हैं। इमरान प्रतापगढ़ ने ये बात भी कही कि वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जहाँ से जो है महादेवी वर्मा निकली, वहाँ से तमाम ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति निकले, ऐसे विचारक निकले, ऐसे विश्लेषज्ञ निकले जिन्होंने देश की छवि को बदलने का काम किया है। और आज आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छवि बदल दी, एक ऐसी छवि जिसको कोई देखना नहीं चाहता है। पहले आप इमरान प्रतापगढ़ की इस वीडियो को सुनिए। आई नो इमरान प्रतापगढ़ी, नहीं इमरान प्रतापगढ़ी, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है,
उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित बेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश में शिक्षा की हालत क्या है। मैं चाहता हूं कि देश में शिक्षा व्यवस्था तो फ्री होनी चाहिए। ये कहते हैं ना फ्री की रेवड़ी, अगर शिक्षा फ्री दी जाए ना, तो इससे बड़ा कोई उपहार, इससे बड़ा कोई तोहफा देश के युवाओं के लिए, देश के बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देश का युवा पढ़ जाएगा ना, तो देश का भविष्य सुधर जाएगा, देश की कई सारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, देश की किस्मत उनके हाथों में चमकने लगेगी। बड़ी बात ये निकल कर आती है दर्शकों, आप लगातार सुन रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें जहां बीजेपी की सरकार है, अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें जहां बीजेपी की सरकार है, जहां अगर हरियाणा की बात कर लें बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र की बात कर लें बीजेपी की सरकार है, मतलब 17 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इन 17 राज्यों के सामने अगर दिल्ली की बात कर लें जहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो सरकारी स्कूलों में आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तारीफ जो है इंटरनेशनल पत्रिकाओं ने भी की है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज गाँव के बच्चे सोचते हैं कि मोबाइल क्या होता है, वो समझते नहीं है कि मोबाइल जैसी भी चीज़ है। आज गाँव के बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ चुके हैं, उनको नहीं पता है 4G 5G 3G 2G क्या होता है। अरे ते का कर रहो, ते का मर रहो, ये सब बातें सीखते हैं। मतलब आप देखिए उनकी लैंग्वेज को देखिए, मतलब उनको पता ही नहीं है कि शिक्षा होती क्या है। आप उत्तर प्रदेश के स्कूल में जाएंगे ना, तो आपको आज भी टाट फट्टी दिखेगी, आपको आज भी ये दिखेगा कि बच्चे नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बैठने के लिए कुछ नहीं, इतनी सर्दी पड़ रही है। आप ये देखेंगे कि मिड डे मील में जो खाना दिया जाता है उसमें आलू सड़े हुए भी होते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की सैलरी कम से कम 60,000-70,000 रुपए होगी। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आज देखिए बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर नहीं पहुंचता है, जब टीचर पहुंचता है तो बच्चे नहीं पहुंचते हैं। बच्चों को लगता है सरकारी स्कूल में सिर्फ खाना पीना मिलता है, खाना पीना खा के अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक सरकार को दूसरी सरकार से सीखना चाहिए,
भले ही घोर विरोध हो, भले ही यहाँ पर जो है विपक्षी हो, अगर योगी आदित्यनाथ को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अच्छा काम किया है तो सीखना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, कॉपी करने से जो है कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। आज इमरान प्रतापगढ़ी को तमाम मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं, आज इमरान प्रतापगढ़ी को ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ 971 रुपये फीस लगती थी आज आपने फीस बढ़ा दी है, जहाँ हॉस्टल का रुपये 15,000 रुपये लगता था आज आपने 45,000 कर दिया है। आज कई सारे देश में ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के लिए तरसते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, दिमाग बहुत है, उनके पास फीस भरने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, जो है IIT करने के लिए, UPSC की तैयारी करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है। लेकिन ऐसे युवाओं अपना भविष्य खराब इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अगर उनके पास पैसा होता तो वो भी IAS PCS बन जाते। यहाँ पर पैसे की दलील इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर जगह पैसा लगता है, ऐसा तमाम लोग कहते हैं कि भाई घर बैठे बैठे तैयारी भी हो सकती है, पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है, हाँ बहुत कुछ नहीं होता लेकिन सब कुछ होता है। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है यहाँ पर कि आज इमरान प्रतापगढ़ी की बात जो संसद में उन्होंने उठाई है, अगर योगी और मोदी सरकार तक पहुँचती है तो सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। कुछ नहीं, आप महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, आप युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम शिक्षा तो दे ही दें ताकि युवा अपने देश के लिए, तमाम लोगों के लिए अच्छा काम कर सके, एक अच्छे नागरिक बन सकें और एक अच्छे नागरिक के साथ साथ उनके अंदर उनका दिमाग सक्रिय हो सके ताकि सोच बढ़ सके और सोच और अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छे तरीके से जो है जी सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सफ़र है या सफ़र में ज़िंदगी, पता ही नहीं चलता है, अंतिम सत्य तो मृत्यु है ना। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है कि आज विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को ना दबाकर उनको सुनना चाहिए और मोदी सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।